Hello students, how are you all? Today we are going to start our chapter 9th. Chapter 9th is rational numbers. देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि rational numbers क्या होते हैं. Rational number जितने भी fraction जो हमारे पास होते हैं, जो fraction की form में जिनको अपने write कर सकते हैं, यानी p upon q की form में, ठीक है, वो क्या होते हैं? Rational numbers होते हैं. ठीक है, जैसे example जैसे 3/4 हो गया. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 3/4 है, इसको अपन क्या लिखा है? p अपॉन q की फॉर्म में लिखा है. लेकिन रैशनल नंबर के लिए कंडीशन होती है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. लेट इसको p मानते हैं, इसको अपन q मानते हैं, तो q आपका कभी भी जीरो नहीं होगा. ठीक है, अगर वो जीरो हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा. आज हम इन एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे? रैशनल नंबर्स को ऐड करना, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, रैशनल नंबर्स होते हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब हम देखेंगे. ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो एक्सरसाइज 9.1 है इसके फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन. हमें कोई दो नंबर दिए हुए हैं, उनके बीच बिटवीन हमें क्या करना है? रैशनल नंबर फाइंड करना है. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें जो गिवन नंबर है वो रैशनल नंबर गिवन है या नहीं है. जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -1 और 0 है, ये दोनों ही हमारे पास क्या है? ये हमें इंटीजर गिवन है. सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इनको रैशनल नंबर की फॉर्म बनाएंगे. देखो यहाँ पे हमें कितने फाइंड करने हैं? 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. देखो हम कैसे करते हैं इसको. जैसे हमें गिवन है -1 और 0 के बीच में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को पहले रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. हमें कितने चाहिए रैशनल नंबर? 5 चाहिए. तो अगर हम इसको 1 को हम क्या राइट करें? 6/6. ठीक है, 6/6 का मतलब क्या होगा? 1 हो गया और ये माइनस का साइन तो है ही. और 0 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 0/6, क्योंकि 0/6 की वैल्यू क्या होगी? मैंने क्या बोला था? रैशनल नंबर में हमारा डिवाइड वाला यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, न्यूमिनेटर आपका 0 आ सकता है. ठीक है, तो नीचे वाला 0 नहीं आएगा. अब हम क्या करेंगे? इनकी बिटवीन जो नंबर्स है वो राइट कर देंगे. जैसे -6 से पहले -5, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6. ठीक है, और 0/6 है. इसको काउंट कर लेते हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5. तो हमें कितने चाहिए थे? 5 रैशनल नंबर चाहिए थे. ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया. उसके बाद हमें जो सेकेंड क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें -2 और -1 के बिटवीन फाइंड करना है. किसके बिटवीन? -2 और -1 के बिटवीन हमें क्या करना है? फाइंड. अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था? -1 और 0 था, उसके बिटवीन तो हमारे पास इतने आ गए. अब अगर हम -2/-, इसको अगर मैं करती हूँ तो इसको अपने क्या करेंगे? -2 को हम क्या राइट करेंगे? -12/6. ठीक है, ये 6 आप यहाँ पे 5 भी कर सकती हो, क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो मैंने इसलिए 6 लगाया यहाँ पे. तो -2 को हम क्या राइट कर सकते हैं? -12/6. और -1 को हम क्या राइट कर सकते हैं? -6/6 कर सकते हैं. ठीक है, अब हम इसके बिटवीन हम नंबर्स राइट कर लेंगे. कितने होंगे यहाँ पे? -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 और -7/6. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5. तो हमारे पास क्या आ गया? 5 रैशनल नंबर्स आ गए. ओके, इस तरीके से हम रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट देखो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में देखो -4/5 और -2/, ये तो पहले से ही हमारे पास क्या है, ये किसकी फॉर्म में? ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है. अब हमें क्या करना होता है? जैसे मैंने इस क्वेश्चन में करवाया था, आपने देखा होगा कि सबके डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है. तो हमें इसमें भी क्या करना होता है? सबके डिनोमिनेटर इक्वल करने होते हैं. तो उसके लिए आप क्या करोगे? 5 और 3 का एलसीएम लोगे, उसके बाद क्या करोगे आप? इनको इक्वल पर करोगे. ठीक है, 5 और 3 का क्या लोगे आप? एलसीएम लोगे. तो जैसे हम इसको देख लेते कैसे करना है. -4/5 है और -2/3 है. तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या है? 3 है. तो इन दोनों का 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा इसका? 15 होगा. तो हम इसको क्या बनाएंगे? 15 बनाएंगे. तो हम इसको क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. और इसको हमें किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई? 5 से करना पड़ेगा. अब हम इसको राइट कर लेते हैं. तो ये कितना होगा? 12/15. ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा? 10/15. ठीक है, अब देखो इनके बीच में तो हमारे पास नंबर क्या आ रहे हैं? -11/15 आ रहा है. सिर्फ -11/15 ही आ रहा है, तो ये हमारा आंसर सही नहीं होगा. ठीक है, तो हमें तो 5 नंबर चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं? इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं. जैसे 15 का डबल कितना होता है? 30. कितना होता है? 30. तो हम इसको 30 बना लेंगे. ठीक है, इसको हम क्या बना लेंगे?
अब हम 3 से ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे 3 को यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें 60, क्योंकि हमें एलसीएम का मल्टीपल लेना होता है कुछ भी, ठीक है। तो ये आपने ट्राई किया लेकिन उससे क्या आ गया, आपका एक ही रैशनल नंबर आया। ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। जब आपको फ्रैक्शन नंबर गिवन हो तो आपको एलसीएम लेना है, उससे करना है। तो यहाँ पे 3 से तो नहीं आ रहा था, 6 से करके देखते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, 30 बनाना था, तो हमें इसको, हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया। यहां 6 किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब इसको 30 बनाना है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 24/30, और ये हमारा आ गया 20/30, ठीक है। तो अभी भी हमारा आंसर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे 23/30, 22/30 और 21/30 अभी भी हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो 15 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है, नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है, 45 से हमारे पास 4 ही आएंगे, ठीक है। तो हम किससे करेंगे, 60 से करेंगे। 60 से करने से पहले चलो अपने 45 से ट्राई तो कर लेते हैं एटलीस्ट, अगर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा तो फिर हम 60 से करेंगे। तो हम क्या करना है, 45 बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, -4/5 था, यहाँ पे -2/3। ये सभी आपको, ये पूरा जो वर्क है आपको रफ नोटबुक पे करना है ताकि आपको सही आंसर मिल सके। अब हमें क्या करना है, इसको 45 बनाना है क्योंकि 15 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 45 होते हैं। 15 से तो नहीं आया, 30 पे भी नहीं आया, 45 पे आ सकता है। तो ठीक है, इसको बनाएंगे हम, इसको हमें 45 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा आएगा आंसर 36/45 और ये हमारा आएगा 30/45। आई थिंक यहां से हमारा आंसर आ सकता है। अब देखो 35/45, 34/45, 33/45 और 31/45, ठीक है। 5, 4, 3, 2, यहाँ पे 2 रह गया तो इसको हम 1 बना लेते हैं, और यहाँ पर आपका 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा। ये पूरा वर्क आपको रफ पे करना है, इससे आपको पता लगेगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से कि आप खुद करोगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट 4 मोर रैशनल नंबर। ये आपको पैटर्न जो दे रखा है इसको आपको आगे बनाना है। तो देखो यहाँ पे 3 का टेबल जा रहा है तो आप यहाँ पे आपको 4 रैशनल नंबर राइट करने हैं, आप खुद करोगे। बस यहाँ पे नीचे आपका 5 का टेबल जा रहा है। इसी तरीके से इसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। तो ये तो आप 5th-6th क्लास में करते ही आए हो, 4 रैशनल नंबर देने हैं आपको, इक्विवेलेंट फाइंड करना है इसका। तो पहले आप इसको 4 रैशनल नंबर बनाने हैं आपको, ठीक है। इक्विवेलेंट पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी, फिर 3 से करोगे, फिर 4 से करोगे, फिर 5 से करोगे, इसके आ जाएंगे इक्विवेलेंट फॉर्म, और फिर इसी तरीके से इसके। नेक्स्ट देखो, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उनके ऊपर इन रैशनल नंबर को ड्रॉ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है 3/4, हमें 3/4 को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखो इन सभी क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है, अच्छा इसमें देखो डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, इसका भी डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है, इसका भी है लेकिन इसका नहीं है। तो ठीक है, अब आप देखोगे कि ये जो जिनके डिनोमिनेटर ग्रेटर होते हैं वो हमेशा क्या आती है, उसकी वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन आती है। तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन आएगी, इसकी 0 और -1 के बिटवीन आएगी, इसकी 0 और 1 के बिटवीन आएगी, और इसको आप सॉल्व करके देखोगे इसकी 1 और 2 के बिटवीन आएगी, ठीक है। तो हम इसका 3/4 वाला पार्ट ये सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे मैंने 0 ड्रॉ किया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 यानी +1, अगर -1 हो तो इधर करते हैं आप। तो देखो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, डिवाइड में यहाँ पे क्या है 4 है, यानी हमें इसके इस लाइन के 0 और 1 के हमें टोटल 4 पार्ट करने हैं। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, यानी कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं इसके 0 में 4 लगाऊं, डिवाइड में 4 लगाऊं, तो ये 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2/4 को और ये 3/4 को। तो हमें इसको फाइंड करना था, ठीक है, 3/4 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, समझ में आ गया। डिवाइड में जितने पार्ट होते हैं आपको टोटल उसके पार्ट बनाने लाइन के, और ऊपर जो होता है उसको आप देख लेना कि कहां तक ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके जो बाकी के पार्ट्स है वो आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन, आपको एक नंबर लाइन गिवन है, इसमें आपको PQRSTUAB ये नंबर, इसके ऊपर हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है और आपको बस बताना है कि कौन से नंबर पे है, यानी उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर, हमें कुछ पेयर्स गिवन है, हमें बताना है कि इसमें कौन से सेम रैशनल नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जो ग्रेटर होगा यानी, या फिर हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हम उसको टेबल से डिवाइड करेंगे। अगर वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि हम उसको तब तक उसको डिवाइड करते रहेंगे या हम उसको तब तक काटते जाएंगे जब तक क्या होगा वो सेम सिंपल फॉर्म ना मिल जाए, यानी वो काटना बंद ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसको इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम ट्राई करते हैं। 7/21 है और 3/9 है, ठीक है। हमें क्या गिवन है, इन दोनों को बताना है कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो देखो हम 7/21 है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा। यहाँ ये देखो ये 7 का टेबल, 7 1 जा 7, ठीक है। 7 2 जा 14, 7 3 जा कितना होता है 21 होता है। 7 के टेबल पे दोनों कैंसिल हो रहे हैं, सेम टेबल पे आपको कट करना है। तो इसका आंसर कितना आएगा, -1/3, ठीक है। और ये आपका क्या है, 3/9 है और ये आपका प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दोनों की वैल्यू तो सेम आ रही है लेकिन साइन सेम नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आंसर क्या है इसका, नो, तो ये सेम नहीं है, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से इसका बाकी का पार्ट, जो बाकी के पार्ट जो है 16/20, 20/25, इसको भी आपको करना है। ये देखो 4 के टेबल में आता है 16, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 4/5, और ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, यानी आपको सेम टेबल से इनको कट करना होता है, ओके। इस तरीके से बाकी के पार्ट हो जाएंगे इसकी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखो, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। जैसे मैंने आपको अभी उस क्वेश्चन में बताया था हमने अलग अलग की निकाली थी, इसमें आपको इनकी निकालनी है। अब जैसे देखो 8 और 6 है, आप क्या करो, इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। जैसे आपका इसका फर्स्ट का करना है आपको, 8/6 है, क्या करना है आपको, 8/6 है, इनका आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। तो इसका करने का तरीका क्या होता है, क्या तरीका होता है इनको, देखो आप 8 और 6 का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो पहले ये 2 से डिवाइड होता है, एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये आपका 4 और ये आपका 3, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, सॉरी इसका एलसीएम नहीं लेना आपको, इसको आपका एचसीएफ लेना है इसका, ठीक है। 8 और 6 का आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, जो दोनों में कॉमन आएगा फिर उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। एलसीएम नहीं लेना आपको, यहाँ पे एचसीएफ लेना है। तो पहले हम इसको 2 से करेंगे, तो ये 4 फिर ये 2, ये 2, एचसीएफ तो आपको लेना आता ही है, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, तो इसका 2 × 2 × 2 हो गया, ठीक है। इसका क्या होगा, 2 × 2 × 2, फिर हम इसको करेंगे कि आपका 8 की वैल्यू, अब 6 की निकालेंगे, 2 3 और 1, इसका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो आपका एचसीएफ यानी कि यहां से एचसीएफ कितना आ गया, 2। अब जो आपका एचसीएफ आया उससे आप इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उससे आप क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। तो ये आपका आएगा 4 और ये आपका आएगा 3, तो ये इसकी क्या आएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म। आई थिंक आपको समझ आ गया, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का क्या करना है, एचसीएफ लेना है, ठीक है। जो एचसीएफ आएगा उससे आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, जिससे आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें सिंबल यूज करने हैं, ठीक है, और सिंबल इनको इनमें यूज करना है, ठीक है। 5/7 ये आपका ग्रेटर का, ये लेसर का और ये इक्वल का, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, जैसे आप करते ही आए हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे इसको करोगे तो आपका माइनस का 15, इसको करोगे तो 14, अब माइनस का 15 बढ़ा या 14, तो ये साइन आएगा। अब इसको करोगे तो कितना आएगा, 28, और इसको करोगे तो 25, तो ये दोनों माइनस के हैं। अब माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है वो एक्चुअल में छोटी होती है, ठीक है। जैसे अपने उधर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो वैल्यूज घटती है, तो ये आपका 25 ग्रेटर होगा ना कि 28, अगर पॉजिटिव वाले होते फिर 28 ग्रेटर होता, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। इसको भी हम ऐसे करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, या फिर हम इसका क्या कर लेंगे, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे इसका, इसको हम एलसीएम से करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करना है, अब जैसे हमारे पास 2/3 है और 5/2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 और 2 का हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम, ये 2 से किया 3 और ये 1, नेक्स्ट यहाँ पे 3 से जाएगा तो ये 1 1, ठीक है।
तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 6 आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 6 बनाएंगे, यानी हम इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। तो यहां से हम इसको 6 बनाएंगे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमें इसको 3 को 6 बनाना है, और इस वाले 5/2 को भी क्या करना है, 6 बनाना है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4/6 और ये 15/6। अब ऊपर वाली दोनों के नीचे वाली वैल्यू तो सेम है, ऊपर वाली वैल्यू किसकी बड़ी है इसकी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये वाला। ओके, ये ग्रेटर होगा। इस तरीके से इसके बाकी के पार्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन, इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सबका एलसीएम लेना, अगर इक्वल नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, उसके बाद ग्रेट असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसको छोटे से बड़ा ये आपको करना है, ठीक है। ये आप खुद करोगे, मैं नहीं करवा रही इसको। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.2। इसमें हमें क्या करना है, रैशनल नंबर को ऐड करना है, डिवाइड करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सबट्रैक्ट करना है, वो हम सीखेंगे। तो देखो सम कैसे फाइंड करना है हमें रैशनल नंबर का, तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5/4 प्लस, और यहाँ पे हमारे पास है -11/4 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका 5/4 है, माइनस प्लस क्या हो गया, -11/4। दोनों के डिवाइड में 4 सेम है, तो दोनों कैल्शियम 4 ही आएगा, ठीक है, दोनों कैल्शियम क्या आएगा, 4 ही आएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से हम इसके उतार लेंगे ये 5 - 11, तो ये आपका -6/4 आपका आंसर आ जाएगा। इसको आगे कट करना चाहते हो, दोनों ही किसके टेबल में, तो 2 के टेबल में, तो 3 × 6 = 4। ओके, जब हमारे पास इसका डिनोमिनेटर सेम था तब तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5/3 + 3/5 है। तो अगर इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, एलसीएम। 3 और 5 का हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 से करेंगे तो 2 से तो जाएगा ही नहीं, तो ये जाएगा 3 से, तो ये 5, तो फिर वापस 5 से जाएगा, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 × 5 = 15, एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। अब हमें क्या करना है, इस 5/3 को 15 बना, 5/3 में जो 3 है डिवाइड वाला, इसको हमें 15 बनाना है, तो हम उसके लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3/5, इस 5 को हमें 15 बनाना है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो आगे, 1 मिनट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 15 और ये 25, बीच में साइन प्लस का, फिर यहाँ पे 15 और यहाँ पे 3 × 3 = 9, यानी हमारे पास आ गया 25/15 + 9/15। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है, हमें सेम तो बनाने थे, तो ये 15 ऊपर वालों को आप ऐड कर दो, अगर माइनस का साइन है तो माइनस लगाओगे, प्लस का साइन है तो प्लस लगाओगे। 25 और 9 कितने होते हैं, 34/15, ठीक है, तो ये आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट इसके पार्ट्स जो हैं वो आपको पेज में मिल जाएंगे, लास्ट पेज में जो आएगा वीडियो के बाद, और बाकी आप खुद इसको ट्राई करना। इसका सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपको ऐसे करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे फाइंड करना है, देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, 9/2 × -7/4। तो सबसे पहले देखो, ये 9/2 है और ये 7/4 है, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी ओवरऑल क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब क्या कर दो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 7 = 63, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = क्या हो गया, 8, और माइनस का साइन आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक समझ में आ गया आपको। इस तरीके से इसके बाकी के पार्ट्स हैं वो आपको इसमें मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें माइनस माइनस आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसमें इसका मतलब ये पूरी डिजिट क्या है, माइनस की, और ये भी डिजिट माइनस की है, ठीक है। अगर माइनस ऊपर लगा है तब भी नेगेटिव आएगा, अगर नीचे है तभी भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बाद में। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको डिवाइड दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो जब भी आपको डिवाइड दे रखा हो, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हम ट्राई करते हैं। जैसे आपका माइनस का 4 है, यहाँ पे 2/3 है डिवाइड में, तो कैसे सॉल्व करना है, माइनस का 4 है, अब इस डिवाइड की जगह पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिवाइड में जो डिजिट आ रही है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब जो इसका डिवाइड वाला होगा उसको हम ऊपर राइट करेंगे, और जो आपका न्यूमिरेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू होगा उसको नीचे, यानी हम उसका उल्टा कर देंगे। साइन हम किसका लगाएंगे, मल्टीप्लाई का, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगा के इसको हम चेंज कर देंगे आपस में। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 12/2, तो ये 2 के टेबल पे कट हो रहा है, -6/1, डिवाइड में 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, सेम ही होती है,
तो ये आपका -6 क्या आ गया, आंसर आ गया. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. इसमें देखो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें ये सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, इनमें आपको रेसिप्रोकल करना है. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.